हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खेजूर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम अपने गार्डन के सभी मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स को ट्राई करेंगे कि हम फर्टिलाइज करें। और फर्टिलाइज करने के लिए मैंने ऑनलाइन मैंने 5 kg का बायो ऑर्गेनिक मैन्योर मंगा रखा है। मैंने ऑर्डर करा था तो आज वो आ चुका है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और सभी प्लांट्स को मोस्टली हम फर्टिलाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बार आप गार्डन की ब्यूटी देख लीजिए। आज हमारे सुबह मॉर्निंग में हमारे यहाँ रेन हुई है, और उसकी वजह से गाइस रेन होने से हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं, जिससे हम जैसे पाइप से वाटर देते प्लांट्स को तो उतना वो सफिशिएंट नहीं हो पाता जितना कि रेन सफिशिएंट होती है सब वाटर देने के लिए प्लांट्स को। तो देखिए कितने हरे भरे, और अभी शाम को वाटर करने की ज़रूरत भी नहीं है। और गाइस अभी देखिए आम के अनार के गाइस देखिए अनार बनने अभी शुरू हो चुके हैं। वहाँ आपको थोड़ा दिख रहा होगा तो वहाँ अनार बनने शुरू हो चुके हैं, तो उसकी भी मैं अभी वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऑन गोइंग है वीडियो। सो आज वाली वीडियो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये रही हमारे सामने हमारी बायो ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमने इसको ऑर्डर करा था, 5 kg का है ये पैक इसका। और देखिए इसके अंदर अभी मैं आपको इसमें इसकी मैन्योर इसकी खाद निकाल के दिखाता हूँ कैसी है इसकी खाद अंदर से। और एक मिनट, देखिए गाइस कितनी काली है ये खाद। देखिए गाइस कितनी ज़्यादा काली खाद है। और हम गाइस इसको खाद डालने से हमारा जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और उन्हें पावर मिलेगी ग्रो होने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ गाइस हम थोड़ी थोड़ी डालेंगे, क्योंकि जैसे छोटे प्लांट्स में तो अभी ज़रूरत नहीं है। तो बड़े बड़े जैसे हमारे आम का है ये बड़ा वाला पेड़, जैसे नींबू का है उधर साइड, तो हम बड़े बड़ों में डालेंगे, थोड़ी बहुत खाद डाल देंगे। क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जितनी हम मिट्टी डालते हैं तो उतनी मिट्टी एक्स्ट्रा बन जाती है, और मिट्टी के अंदर ही गाइस पेड़ खुद ही खाद प्रोड्यूस करने लगता है। तो अभी जितने बड़े बड़े पेड़ हो रखे वो तो ऑलरेडी खाद उनमें होगी, लेकिन तभी भी हम उनमें फ्रूट और वेजिटेबल जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम ये मैन्योर डालेंगे उसमें। तो अब डालते हैं, हम स्टार्ट यहाँ से करते गाइस। तो अभी चलते हैं आगे। तो सबसे पहले ये खाद निकालते हैं, इतनी खाद निकालते हैं। और यहाँ गाइस आगे आते तो हमने नया अमरूद का पेड़ हमने परचेज करा है, और इसकी वीडियो भी अभी आने वाली है। मैं 2-3 दिन में इसकी वीडियो अवेलेबल हो जाएगी मेरे चैनल पे, तो उसको भी आप देखिएगा। इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, एडिटिंग थोड़ी बहुत बची है तो फिर मैं डालूँगा। तो इतनी खाद इसके लिए बहुत होगी। थोड़ी बहुत गाइस आप स्टेम पे कर दीजिए, क्योंकि सॉइल पे उतनी ज़्यादा सॉइल ये मैन्योर इतनी ज़्यादा सॉइल पे ज़रूरत नहीं होती। तो आप जैसे इसका ये एंड है तो इसकी जैसे स्टेम की तो आप तो अब
तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो थोड़े बहुत प्लांट्स को मैं दिखाता हूँ यहाँ, और बाकी मैं इसको ऑफ कैमरा करूँगा, इसको फर्टिलाइज़ प्लांट्स को। और गाइस आपको भी ऐसी मैन्योर चाहिए, खाद, हमारी बायो मैन्योर, आपको ऑर्गेनिक बायो मैन्योर है तो आपको इसको परचेज करना है। 5 kg की है, परचेज करना है आपको, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूँगा। तो आई होप कि गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, ना हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। उधर गाइस एक लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, तो गाइस आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइस हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो आप ज़रूर से गाइस वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। तो ऐसी मस्ती एक वीडियो में आपको मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय। तो गाइस एक बार ये वीडियो स्टार्ट करने से, हेलो भाई, गाइज हमारी ये ओवरफ्लो हो चुकी है टैंकी, और मैंने देखा नहीं, वाओ।